देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान का असर जिले में रहा। सोमवार को भारत बंद का सर्वाधिक असर जिला मुख्यालय नरसिंहपुर और गाडरवारा में रहा। गाडरवारा के अलावा कोटीगांव, करेली, साले चौका एवं अन्य क्षेत्रों में भी किसानों ने प्रदर्शन कर सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। जिला मुख्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी, सदस्यों एवं अन्य किसानों ने पूरे शहर में मोटरसाइकिल रैली निकाली व अनेक जगह प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार का रवैया किसान विरोधी है। 700 से अधिक किसान पिछले 10 माह में शहीद हो चुके हैं। इसके बाद भी यह सरकार किसान विरोधी रवैया नहीं छोड़ रही। वहीं सोमवार को बंद को व्यापारियों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देकर प्रतिष्ठान बंद रखे। उक्त मौके पर महासंघ महाकौश प्रांतीय अध्यक्ष ऋषिराज पटेल, जिला अध्यक्ष कमल सिंह लोधी सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। स्टेशनगंज मंडी से लेकर मुस्कान पार्क होते हुए और गांधी चौराहा से पूरा शहर बंद करवाया गया किसानों के द्वारा। आज किसानों के साथ में मिलकर पूरा शहर को देखा गया और सभी व्यापारियों ने बड़ा सहयोग दिया और पूरा शहर बंद हुआ। तो मैं किसान होने के नाते सभी व्यापार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय किसान। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन जो दिल्ली और पूरे देश में जो जोर शोर से चल रहा है, उसको आज 26 सितंबर को 10 माह पूर हो गए थे और उसके साथ ही जो आंदोलन में लगभग 700 किसानों से अधिक जो किसान हैं वो अपनी शहादत दे चुके हैं। तो उसी उपलक्ष्य में आज भारत बंद का संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था, जिसको लेकर आज हम लोगों ने जिले के व्यापारियों से हमने निवेदन किया था, अपील की थी और उनसे हमने मांग की थी कि आप सुबह 6 बजे से दोपहर शाम 4 बजे तक अपना बंद रखकर हमें समर्थन प्रदान करें। और वैसा ही हुआ, इक्का दुक्का दुकानें बस हमें खुली मिली तो हमने उनका फूल माला पहनाकर उनका हमने सम्मान किया और उन्होंने उनके द्वारा पूर्णतः अपनी दुकानें 4 बजे तक के लिए बंद कर दी थी और उनके द्वारा हमें पूर्णतः समर्थन आशीर्वाद के रूप में दिया गया। शांतिप्रिय तरीके से आप लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से